को यूनिट नंबर 7 EBSC फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस यूनिट 7। इस वीडियो में वन शॉट पूरा इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ यूनिट 7 को कंप्लीट समाप्त कर दूंगा और इसमें जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वही टॉपिक आपको केवल पढ़ना है और इसमें ट्रिक्स इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल हैंड रिटन जो मेरा नोट्स है वही आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा MCQ भी होगा और इसमें आपका जो है कहीं कहीं MCQ होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में रिटन होता है तो उस हिसाब से आपको बिल्कुल तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो वो है ह्यूमन जेनेटिक्स मेथड ऑफ स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन मैन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो कि यूनिट नंबर 7 का आपका टॉपिक है BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अगर पूरी तरीके से 2-3 बार देख कर जाते हैं तो आपको पक्का है कि कोई इस चैप्टर से तो आपका 15-20 मार्क्स तो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड इसका पिछला चैप्टर भी था यूनिट नंबर 6 भी। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन मैन। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका है पेडिग्री चार्ट सैंपल यूज इन पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट का जो सैंपल है किस तरीके से पेडिग्री चार्ट में यूज़ होता है, ठीक है, कई प्रकार का सैंपल होता है तो जिसे स्क्वायर वाले को क्या डिनोट करते हैं और सर्कल वाले को क्या डिनोट करते हैं, मेल फीमेल किस तरीके से डिनोट होता है और अगर उसमें कोई कैरियर रहेगा कोई जो है डिजीज़ का कैरियर रहेगा तो उसको किस प्रकार से दिखाएंगे तो वो इसमें पढ़ेंगे हम। तीसरी टॉपिक आप कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस जो कि रानी एलिजाबेथ का पेडिग्री चार्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो वो भी है। फिर आपका चौथा टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इस चैप्टर से इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके लिए। पांचवा टॉपिक आता है कैरियोटाइप, ठीक है, उसके बाद छठवां टॉपिक आता है आपका बैंडिंग ऑफ क्रोमोसोम किस प्रकार से क्रोमोसोम को बैंडिंग करते हैं डार्क बैंड लाइट बैंड में। फिर सातवां टॉपिक आपका है ह्यूमन कैरियोटाइप। आठवां टॉपिक आपका है सिंगल जीन डिसऑर्डर। नवा टॉपिक है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज और सिंड्रोम जैसे डाउन सिंड्रोम एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, इस सिंड्रोम में क्या होता है कि कुछ जो है कि जेनेटिक डिजीज़ मतलब कि कोई क्रोमोसोम्स में कुछ बदलाव होता है जैसे XXY क्रोमोसोम्स चेंज होता है XX क्रोमोसोम तो उसमें मेल कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है फीमेल के अंदर तो इस प्रकार से डिजीज़ होता है जो कि मंगोलियन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम को एक टर्नर सिंड्रोम होता है डाउन सिंड्रोम एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तो आपका दसवां और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से आता है जेनेटिक काउंसलिंग जो कि जेनेटिक काउंसलर तय करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। सबसे पहला टॉपिक आपका है ह्यूमन जेनेटिक्स मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन मैन। तो मैं आपको हर एक टॉपिक तो नहीं बताऊंगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दें वही अगर आप पढ़ लेते हैं लेकिन मैं और उसमें इस 10 टॉपिक में से भी मैं कुछ छांट के टॉपिक आपको कराने वाला हूँ जिसके द्वारा आपका उसी के द्वारा सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है ह्यूमन जेनेटिक्स मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन मैन। किस प्रकार से ह्यूमन जेनेटिक्स जो है जीन आप समझते होंगे कि जीन क्या होता है DNA का स्मॉल सेगमेंट को हम जीन कहते हैं तो ये जो ह्यूमन का जेनेटिक्स मेथड है उसको पढ़ने का, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट किस प्रकार से इनहेरिटेड होता है मैन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तो इसको हम पढ़ेंगे। ये ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स के अंडर आता है जिसमें हम डील्स करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन मैन, ठीक है, इसी को हम ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं जिसमें हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन मैन देखते हैं किस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर जाता है उसी को हम कहते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स। फिर इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको सर आर्चिबाल्ड ई गैरोड ने 1901 में इसके बारे में जो ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में डिस्कवरी किए थे या फिर इसके बारे में बताए थे तो इनका भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है MCQ के लिए और अगर आपका रिटर्न होगा तो भी वहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलने का चांस रहेगा, सर आर्चिबाल्ड ई गैरनॉड। फिर उसके बाद इसे हम इनबॉर्न एरर भी कहते हैं, इनबॉर्न एरर ह्यूमन जेनेटिक्स अगर कोई इनहेरिटेड डिजीज़ तो उसको हम इनबॉर्न एरर भी कहते हैं, जन्मजात भी होता है कुछ इसमें, ठीक है, जैसे कि लाइक फिनाइल किटोन्यूरिया अलकैप्टोन्यूरिया जीन कंट्रोल्ड। मैं आपको स्टडी के लिए बता दूं कि ये जनरेशन का पता लगता है इससे, ठीक है, जीन कंट्रोल्ड जनरेशन का पता लगाना स्टडी के लिए है, जीन का पता लगता है इससे। पेडिग्री एनालिसिस एंड एमिनोसिंथेसिस ट्विन्स स्टडी ये ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत हम पता लगाते हैं जिससे हमें जो है पता चल जाता है कि आने वाला जनरेशन क्या, जैसे कि एमिनोसिंथेसिस एक है इसमें क्या होता है कि आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे आप देखेंगे तो ध्यान से आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें एक किस प्रकार से एक मदर के जो है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड मोस्टली बोलते हैं उसमें प्रोबेबली होता क्या है कि अगर किसी मदर के अंदर कोई बेबी है तो उसको चेकअप कराने के लिए सबसे पहले क्या होता है जिस टेस्ट को हम बोलते हैं एमिनोसिंथेसिस जो कि मोस्टली इंडिया में बैंड है उसमें क्या होता है कि
सबसे पहले मदर ओम में से जो है कि एमनियोटिक फ्लूड को निकालते हैं, उसका टेस्ट करके जो है अल्ट्रासाउंड के मदद से पता लगाते हैं कि मेल है कि फीमेल, जो कि मोस्टली इंडिया में बैंड है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के द्वारा ट्विंस स्टडी का पता लगाते हैं, पेडिग्री एनालिसिस का पता चलता है, काफ़ी कुछ डिजीज़ का भी पता चलता है। इसका कुछ जो है कि कुछ अच्छे फीचर भी हैं, कुछ बुरे फीचर भी हैं, जिसको हम बोलते हैं कि कुछ डोमिनेंट फीचर हैं और कुछ रिसेसिव फीचर भी बोल सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद अगली टॉपिक आपकी आती है पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। पेडिग्री सॉल्व यानी पेडिग्री बाई दिस स्टेप, मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा जिसके द्वारा आप किसी भी पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं। इसके चार स्टेप हैं पता लगाने के लिए। सबसे पहले आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में पता होना चाहिए, ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में, सेक्स लिंक डोमिनेंट के बारे में एंड सेक्स लिंक रिसेसिव के बारे में। ये आपको पता होना सबसे पहले ज़रूरी है, वहाँ से ही आप किसी भी पेडिग्री एनालिसिस का पता लगा सकते हैं या फिर किसी भी पेडिग्री चार्ट के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। और सबसे पहले क्या है कि एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन आने का एक तरीका है। तो अगर हम बात करें कुछ पेडिग्री चार्ट में जो सिंबल यूज होते हैं उसके बारे में बात करें, तो जो स्क्वायर से डिनोट होता है उसको हम बोलते हैं मेल, यानी कि जो स्क्वायर से डिनोट करते हैं उसको हम मेल बोलते हैं। और अगर वहीं कहीं अगर स्क्वायर पर आधा जो है डार्क बैंड होगा या फिर आधा रंगा हुआ होगा और आधा खाली होगा स्क्वायर ही, तो उसको उसी कंडीशन में हम बोलेंगे हेटरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी कि उसमें हेटरोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस हेटरोजाइगस आई होप आपको जानते होंगे आप लोग क्या है। होमोजाइगस मतलब सेम जो है उसमें रहेगा जीन और हेटरो में डिफरेंट रहेगा। तो और जो सर्कल्स दिखाते हैं उसको हम फीमेल कहते हैं। अगर फीमेल सर्कल दिखा के उसमें बीच में डॉट है या फिर बीच में थोड़ा सा गाढ़ा जो है ब्लैक या फिर ब्लू किसी भी कलर से होगा बीच में, तो उसको हम कहेंगे कॉर्नर ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसी प्रकार से मेटिंग का होता है, अगर जब दो मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर कम टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पे दिखाया जाएगा इस प्रकार से कुछ जो स्क्वायर एंड सर्कल को बीच में एक जो है एक लाइन के द्वारा लाइनिंग के द्वारा दिखाया जाएगा बीच में। इसी प्रकार से जो है दिखाया जाता है पेडिग्री कुछ सिंबल्स को। अगर हम बात करें पेडिग्री एनालिसिस हेल्प इन ए जेनेटिक्स टू असर्टेन वेदर कैरेक्टर डिजीज विल अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक मैरिज, मेनी ह्यूमन डिजीज एंड अदर एक्सेप्शनल कंडीशन आर डिटरमाइंड बाई ए सिंपल मेंडेलियन रिसेसिव एलील्स कैरेक्टर इजली द डिसीज्ड कंडीशन अपीयर्स इन प्रोजनी ऑफ अनएफेक्टेड पेरेंट। मतलब कि अगर कोई भी पेडिग्री जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी डिजीज़ का पता लगाने के लिए, किसी भी मतलब जनरेशन चला रहा है, तो उसका अगर हम पेडिग्री चार्ट बनाएंगे तो उससे हमें पेडिग्री से डिजीज़ को फाइंड करने में सबसे पहले चीज़ आसानी होगा। फिर इसके बारे में अगर फर्दर हम बताएं तो मेंडेलियन का भी रिसेसिव एलील्स कैरेक्टरिस्टिक का भी कंडीशन इसमें शो होता था और काफ़ी कुछ इसके बारे में है। और अगर हम बात करें इसके बारे में और, तो दे आर कंडीशन कॉज्ड बाय डोमिनेंट एलील जो है इसमें भी पता है आपको, डोमिनेंट एलील हमेशा जो है मतलब डोमिनेंट मतलब कि जो मजबूत है वही एलील जो मजबूत कंडीशन में है जो पूरी तरीके से सक्षम है तो वही डिजीज़ कॉज करता है। वही कंडीशन टिपिकली अकर इन एवरी जनरेशन, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल नेवर ट्रांसमिट द कंडीशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू अफेक्टेड पेरेंट। अगर कोई भी जो है अनअफेक्टेड यानी कि किसी प्रकार का बीमारी नहीं है किसी को, वो अफेक्टेड नहीं है किसी प्रकार की बीमारी, तो वो किसी प्रकार की बीमारी को कॉज नहीं करने के लिए वेरिएंट बनेगा या फिर वेक्टर बनेगा। जैसे कि अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी होगा तभी अगले पर्सन को आपके द्वारा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल यानी कि जो टच करने से बीमारी फैलती है उसको हम कम्युनिकेबल बोलते हैं, तो इस प्रकार से बीमारी कॉज होती है। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रकार की बीमारी है, अगर आप 100% जो है हेल्थली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, तो आप किसी को दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आपके द्वारा काफ़ी लोगों को और प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। फिर इसके बारे में यहाँ से कुछ जो है डिजीज़ के बारे में नाम भी दिया गया, जैसे कि हटिंगटन कोरिया एंड वेरी शॉर्ट फिंगर्स इसमें हो जाता है। तो एक कुछ प्रकार का पेडिग्री एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ के बारे में भी है। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ इसमें म्यूटेंट कैरेक्टर होते हैं, कुछ वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं, तो सब खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका है इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इसमें क्या है, इनहेरिट होता है कैरेक्टर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का। जीन ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट आर लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम्स एंड आर एक्सप्रेस्ड इवन व्हेन प्रेजेंट इन हेटरोजाइगस कंडीशन।
द अफेक्टेड पर्सन हैज़ एटलीस्ट वन पेरेंट विद द एबनॉर्मल फिनोटाइप। इसमें क्या है, जीन अगर कोई आउटो मतलब होता है सेम, अगर कोई सेम डोमिनेंट ट्रेट है लोकेटेड है ऑटोसोम्स आर एक्सप्रेस्ड व्हेन प्रेजेंट इन हेटरोजाइगस कंडीशन द अफेक्टेड पर्सन एटलीस्ट वन पेरेंट विथ एबनॉर्मल। अगर कोई भी इसमें इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में ही है कि अगर कोई भी जो है अफेक्टेड होगा तो उसी द्वारा डिजीज़ कॉज होगा अगले जनरेशन में। इसका डिसऑर्डर में डोमिनेंट एलील में एक आता है डिजीज़ जिसका नाम है ब्रैकिडैक्टिली। इन दिस डिसऑर्डर द हैंड आर शॉर्ट। इसमें क्या होता है, हाथ शॉर्ट हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, मिडिल जॉइंट्स हो जाता है, रिमेन रूडिमेंट्री एंड फ्यूज विथ एडजेसेंट। काफ़ी अजीब सा दिखेगा आपको फिगर में दिख रहा होगा जो कि ब्रैकिडैक्टिली नामक डिजीज़ को शो कर रहा है। और एक होता है पॉलीडैक्टिली जो भी ए डोमिनेंट एलील के द्वारा कॉज होता है, ये भी इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स का डिजीज़ है। आप देख सकते हैं पॉलीडैक्टिली ब्रैकिडैक्टिली। ब्रैकिडैक्टिली में उंगलियां शॉर्ट हो जाती हैं, रूडिमेंट्री हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर, एक उंगली ज़्यादा प्रेजेंट होगा हाथ में। देखते होंगे आप ऐसा कंडीशन तो देखने को मिला है हमारे एरिए में काफ़ी ज़्यादा, मैं इससे जो है जुड़ा हुआ हूँ कि कई काफ़ी लोगों को देखा हूँ कि 5 की जगह 6 उंगली काफ़ी लोगों ने कटवाया भी। तो ये आता है पॉलीडैक्टिली कंडीशन में, पॉलीडैक्टिली प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज कॉल्ड पॉलीडैक्टिली कंडीशन। और एक होता है पीटीसी टेस्टर, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिनाइल थियोकार्बोनाइड। इसी प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इसमें डिजीज़ आती हैं। किसी लोगों को देखें आप उंगली जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा, एक से दूसरी उंगली जुड़ी रहती तो वो भी एक डिजीज़ में आता है। तो वो सब ही इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। अगर कोई भी डोमिनेंट ट्रेट जब हावी होगा तो इस प्रकार की बीमारी होती है। और एक रिसेसिव ट्रेट भी इसी प्रकार से होता है, इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अगर इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे कि ट्रेट विच आर इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव आर इक्वली एक्सप्रेस्ड इन बोथ मेल एंड फीमेल, सच ट्रेट आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। इसमें क्या है, ट्रेट वह जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है उसमें क्या होता है, इक्वली एक्सप्रेस होता है बोथ मेल एंड फीमेल में, दोनों में इक्वली जाएगा जो है। अगर कोई भी वेक्टर ऑटोसोमल का जाएगा तो दो इक्वली आएगा, सच ट्रेट आर एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस कंडीशन होगा। इसके पिछला जो आप पढ़े हैं इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, उसमें इन हेटरोजाइगस कंडीशन में ज़्यादा था, लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में जाएगा डिजीज, ठीक है ना। अगर इसके बारे में हम बात करें तो द जीन आर अनेबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता है। इसका भी कुछ डिजीज़ हैं, जैसे कि आप एल्बिनिज्म, फिनाइल किटोन्यूरिया का नाम सुने होंगे, अलकैप्टोन्यूरिया, ज़ीरोडर्मा, फिगोनेटिज्म, सिकल सेल एनीमिया, साइजोफेरनिया, तो ये सभी इस कंडीशन के डिजीज़ में आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा साइजोफेरनिया के बारे में कुछ दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया। आप लोग काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होंगे इसके बारे में, आप और अगर डीप में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं और डीप में इसके लिए लेक्चर ला सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगली टॉपिक आपका आता है कैरियोटाइप, ठीक है। कैरियोटाइप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है, कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप कैसे होता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इन ए मेटाफेस सेल द क्रोमोजोम कैन बी आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड बाई डिफरेंट बैंडिंग टेक्निक्स। ये मेटाफेज जो आपको पता होगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलाफेज, इस प्रकार से कुछ कंडीशन आए, 12th में आई होप 11th में था, यहाँ 11th क्लास में है। आप अगर यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से रहे हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से रहे हो 10th 12th तक, तो आपको मिला होगा एक टॉपिक जो कि नीट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो इसमें होता है, ठीक है ना। सेल द क्रोमोसोम कैन बी आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड बाई डिफरेंट बैंडिंग टेक्निक, जो कि काफ़ी बैंडिंग टेक्निक होता है, डार्क बैंड, लाइट बैंड, उस बैंडिंग टेक्निक से जो यहाँ पे अगला लाइन दिया है, बैंड आर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट अपीयर लाइटर और डार्कर देन एडजेसेंट रीजन व्हेन द क्रोमोसोम आर ट्रीटेड विद पर्टिकुलर स्टेनिंग मेथड आफ्टर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ सूटेबल स्प्रीड ऑफ मेटाफेस क्रोमोसोम्स। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर कट आउट फ्रॉम द फोटोग्राफ एंड आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली फैशन इन होमोलॉगस पेयर्स। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन होमोलॉगस पेयर्स इज कॉल्ड कैरियोटाइप। सिंपल है कैरियोटाइप, कोई भी ऑर्डर में अरेंजमेंट हो, कोई भी ऑर्डर में अरेंजमेंट हो क्रोमोसोम का, ठीक है, होमोलॉगस पेयर में, मतलब कि एक पेयर में हो, जैसे कि अगर एक डार्क बैंड है तो उसके बगल में डार्क बैंड हो, लाइट बैंड है तो उसके बगल में लाइट बैंड हो, तो इस प्रकार के कंडीशन में होता है कैरियोटाइप, तो इसी को हम कहते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वही चीज़ की मतलब वही डार्क बैंड लाइट बैंड के मेजरमेंट के बेस पे होता है। इन सेवरल और मेनी सेल्स इज कॉल्ड आइडोग्राम, ठीक है, मतलब आइडोग्राम क्या होता है एक बार आपको और बताता हूँ, कैरियोटाइप से रिलेटेड पूछ सकता है आइडोग्राम क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा इससे आपको जो है रहना चाहिए पता। तो
आइडियोग्राम क्या है एक बार फिर सुनिए, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कैरियोटाइप बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन सेवरल और मेनी सेल्स इज कॉल्ड आइडियोग्राम। मतलब वह जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो डायग्राम जो फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कैरियोटाइप को डार्क बैंड लाइट बैंड के रूप में, उसी की मेजरमेंट के क्रोमोसोम के सेवरल जो कई सारे मेजरमेंट किए जाते हैं सेल्स के, उसी को हम कहते हैं एक, अगर एक एक करेंगे तो उसको आइडियोग्राम कहेंगे, ठीक है। और इसमें बैंड की बात करें तो बैंडिंग ऑफ क्रोमोसोम में तो वही होता है जी बैंड, सी बैंड, आर बैंड, क्यू बैंड, काफ़ी ज़्यादा स्टेनिंग जो टेक्निक आप लोग पढ़े होंगे लैब में जाते होंगे, अगर बीएससी में आप लैब में प्रैक्टिकल करते होंगे तो आपको पता होगा जो हमें मिलता है बैंडिंग करने के लिए स्टेन्स मिलते हैं काफ़ी, जो रंग येलो कलर का होता है, कुछ रेड कलर का मोस्टली होता है लैब्स में, तो ही होता है स्टेनिंग करने का कंडीशन, तो कई प्रकार से स्टेनिंग होता है। एक इसका फॉर्मूला है सेंटोमेरिक इंडेक्स निकालने का, जो कि कैरियोटाइपिंग का फॉर्मूला है, शॉर्ट आर्म लेंथ अपॉन टोटल क्रोमोसोम लेंथ। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी के साथ लास्ट टॉपिक भी होगा आई होप, ठीक है। सिंड्रोम एक होता है प्रोड्यूस बाय ट्राइसोमी ऑटोसोम, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। देखिए कुछ सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी कंडीशन में कॉज होते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी में देखिए सब इंपॉर्टेंट ह्यूमन सिंड्रोम आपको बता देता हूँ, ये चार्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एक तो ट्राइसोमी से होती है, ट्राइसोमी मींस दैट व्हेन कंडीशन क्या होता है ना, इसमें ट्राइसोमी में कंडीशन एक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एक ट्राइसोमी 21 होता है, ट्राइसोमी 18 होता है, ट्राइसोमी 13 है, तो जैसे ट्राइसोमी 21 है एक क्रोमोसोम का एबनॉर्मलिटी, 21 पे एबनॉर्मलिटी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि 700 में से हर एक बच्चे को ऐसे डिजीज़ देखने को मिलता है ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम कंडीशन। ट्राइसोमी 18 कंडीशन आता है एक, ठीक है, जो एडवर्ड सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, आप स्क्रीन में फिगर भी देख सकते हैं एडवर्ड सिंड्रोम का, डाउन सिंड्रोम का। तो ये 4000 में से एक बंदे को देखने को मिलता है छोटे बच्चे को, ठीक है। एक आता है ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 13 की बात करें तो ट्राइसोमी 13 पटाऊ सिंड्रोम इसको हम कहते हैं, पटाऊ सिंड्रोम में डिजीज़ में बॉडी कुछ इस प्रकार से जाती है, इसके बारे में और डीप में जानना है तो आप कमेंट करिएगा। 5000 में से हर एक बंदे को पटाऊ सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, जो कि ट्राइसोमी 13 होता है। एक होता है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, 2A=44+XXX कंडीशन। एक आता है 2A=44+XXY लाइन फेंटर सिंड्रोम, जो कि 1/1000 मेल बर्थ पे देखने को मिलता है, मतलब कि 1000 में से एक बंदे को देखने को मिलता है, मोस्टली मेल्स में देखने को मिलता है। और ये जो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में फीमेल बर्थ को देखने मिलता है, क्योंकि डबल एक्स तो पहले से रहता है फीमेल, एक एक्स और रहता है उससे और ज़्यादा कैरेक्टर इसकी स्टिक में बदलाव हो जाता है। इसी प्रकार से एक टर्नर सिंड्रोम है, जो कि 5000 में से एक को देखने को मिलता है, ठीक है। एक कुछ सिंड्रोम है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपके चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अभी बाकी रह गया, जो कि बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। जैसा कि आपको पता होगा इसके बारे में, शायद आई होप पता होगा, आई होप नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा, जेनेटिक काउंसलिंग। इसी के साथ ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जेनेटिक काउंसलिंग इज द गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस अबाउट द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिजीज एंड देयर आउटकम्स। लोकल डॉक्टर्स और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स कैन रिफर द पेशेंट टू जेनेटिक काउंसलर्स। जेनेटिक काउंसलिंग इज ऑफन कैरिड आउट इन स्पेशल क्लिनिक्स इन हॉस्पिटल्स। काउंसलर्स आर यूजुअल डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियंस, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मतलब जेनेटिक काउंसलिंग वो प्रक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए आस पड़ोस में किसी के जो है चाइल्ड बर्थ का कंडीशन है, मतलब कि किसी को चाइल्ड नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या होता है जो जाता है मोस्टली जेनेटिक काउंसलर उसी लिए होते हैं कि बताते हैं किस प्रकार से क्या जो है बर्थ के टाइम क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस किस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तो वो जेनेटिक काउंसलर बताते हैं किस प्रकार से, मतलब एक प्रकार से जेनेटिक के काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे जो स्टडी के बाद वहाँ पे जेनेटिक काउंसलर पहुँचते हैं तो काउंसलिंग करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मस्ट गुड आउटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है इसका, तो काफ़ी अच्छे से बता लेते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। और काउंसलर मस्ट डिस्कस द फॉलोइंग इशू वाइल गिविंग काउंसलिंग। जो काउंसलर होता है, जो यानी कि काउंसलिंग करता है, मान लीजिए अगर आपके आस पड़ोस किसी को जेनेटिक काउंसलिंग करवाना है, किसी को अपने जीन्स के बारे में पता लगाना है, या फिर अपने बारे में पता लगाना है, खुद के बारे में पता लगाना है कि मेरी क्या कंडीशन है जेनेटिकली, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्सुअली क्या कंडीशन है, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए आप जेनेटिक काउंसलर के पास जाएंगे तो वो आपको क्या क्या करेगा, क्या क्या वो कर सकता है। देखिए वो तो मेकिंग डायग्नोसिस, एक तो डायग्नोसिस करता है, डायग्नोसिस मतलब एन एक्यूरेट डायग्नोसिस इन्वॉल्विंग मेडिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी टेस्ट कर सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल अ वोमेन एज 20,
जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि एक वुमेन है, उसकी एज 20 है, हु हैज नॉट बिगेन टू मेंस्ट्रुएट एंड हुज ब्रिस्ट हैव नॉट डेवलप्ड कुड बी सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम। उसकी ब्रिस्ट जो है नहीं डेवलप है और वो टर्नर सिंड्रोम से जूझ रही है। अ हार्मोन्स डिफिशियंसी और सिंपली डिलेड प्यूबर्टी क्रोमोसोम एनालाइज्ड कॉल्ड कंफर्म वेदर और नॉट टर्नर सिंड्रोम। तो मतलब कि उसकी वही चेकअप के लिए कि जो है उसका ब्रिस्ट डेवलप नहीं है, तो उसके चेकअप के लिए तो पता लगाएंगे टर्नर सिंड्रोम है या नहीं, तो इसके डायग्नोसिस यानी चेकअप के लिए होता है, जेनेटिक काउंसलर बताता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपको अपनी फैमिली की हिस्ट्री पता लगाना है, इन्वेस्टिगेशन करना फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस केसेस ऑफ जेनेटिक डिजीज़ बाई ड्राइंग द फैमिली ट्री ऑफ द पर्सन काउंसलर्ड इज जनरली डन। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री को भी करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैलकुलेटिंग रिस्क, एक्सप्लेनिंग कॉजेज, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑप्शंस, जेनेटिक स्क्रीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से था कुछ जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ इसी के साथ साथ, जो है सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ क्रोमोसोमल एनोमैलीज, क्रोमोसोमल एनोमैलीज के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आंसर को भी मैं बताने का प्रयास पूरा करूंगा और आप लोग समझिएगा काफ़ी अच्छी तरीके से क्या होता है क्रोमोसोमल एनोमेलीज। देखिए, क्रोमोसोमल एनोमेलीज, एनोमेलीज को हम कहते हैं एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी ऑफन हैपन ड्यू टू वन और मोर ऑफ डिजीज इरर ड्यूरिंग डिवाइडिंग ऑफ सेक्स सेल्स मियोसिस। जब सेक्स सेल डिवाइड होता है मियोसिस कंडीशन में कॉज होता है जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या एनोमेली, हम इसी को कहते हैं। अगर हम कोई गली से उठा कोई भी ड्रग्स ले लें, कोई भी दवा ले लें, तो उससे भी कॉज होता है। अल्कोहल से, तंबाकू से, टॉक्सिक केमिकल से, सम वायरस बैक्टीरिया भी इसके कॉज करने के, रेडिएशन जो आता है सूर्य के द्वारा, और कुछ हेल्थ का जो है सच अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अगर आप डायबिटीज़ या फिर आपके अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके द्वारा भी अनकंट्रोल्ड अमाउंट में हो जाता है सेक्सुअल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो है। ठीक है, काफ़ी इस कंडीशन अलग अलग प्रकार में अलग अलग जो है दिखाई देता है, इसी को एबनॉर्मेलिटीज को हम कहते हैं एनोमेलीज। तो क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका होता है, कहीं एनोमेलीज पूछेगा, कहीं एबनॉर्मेलिटीज पूछेगा, ताकि जो है फंस जाए लोग। एक क्वेश्चन आता है पेडिग्री एनालिसिस क्या है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट दिस इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ट्रेट चलता है उसी की स्टडी करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। इट हेल्प टू ट्रेट इनहेरिटेंस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट एंड आल्सो नो वेदर अ ट्रेट एक्चुअली गेटिंग इनहेरिटेड और नॉट, थस इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द कैरेक्टर ऑफ फ्यूचर जनरेशन पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक कलर स्ट्रक्चर्स हाइट ईटीसी। ठीक है, मतलब स्टैचर हाइट कलर और ठीक है स्पीसीज की हर चीज़ को आप बता देंगे पेडिग्री एनालिसिस करके, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है पेडिग्री एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है जो है व्हाट आर दी फोर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है फोर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब क्या क्या चार इनहेरिटेंस के पैटर्न है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादातर घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कभी पूर्वांचल में पूछेगा तो कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछेगा तो कहीं इस यूनिवर्सिटी में पूछेगा, तो एक क्वेश्चन का अदला बदला होता रहता है। तो फोर बेसिक मेथड इनहेरिटेंस के, एक सिंगल जीन डिजीज़ है ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव, एक एक्स लिंक डोमिनेंट एक एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, बस आराम से याद हो जाएगा यार, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट बोले एक ऑटोसोमल रिसेसिव, एक एक्स लिंक डोमिनेंट एक एक्स लिंक रिसेसिव, तो यही फोर मेजर हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं कुछ एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट एन ऑफस्प्रिंग हुज सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड सेक्स को कौन शो करता है। तो इसके लिए हो जाएगा जो इस प्रकार का कुछ स्क्वायर का कुछ क्रॉस की जैसा सिंबल है, ठीक है, जिसमें चार कोने, ये वाला सिंबल हो जाएगा राइट। व्हाट आर दी फर्स्ट केमिकल म्यूटाजिन, फर्स्ट केमिकल म्यूटाजिन का था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर मस्टर्ड गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली, क्रोमोसोमल एनालिसिस, न्यूक्लियर एनालिसिस, साइटोप्लाज्म एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस। हो जाएगा पेडिग्री एनालिसिस, अभी हजार बार बार बता के आए हूँ आपको। द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइंड बाय, क्रोमोसोम टर्म किसके द्वारा क्वाइंड यानी किसके द्वारा दिया गया, तो हो जाएंगे वेल्डेयर, वेल्डेयर ने दिया था क्रोमोसोम टर्म। कलर ब्लाइंडनेस इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज आर वाई लिंक्ड, तो जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बीएससी नीट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको लगातार मिलते रहेंगे चैनल पे, और शॉर्ट्स में एक से एक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कम्युनिटी को, चैनल को चेक करिए आप, कम्युनिटी भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए ग्रेजुएशन से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड एंड किसी भी शॉर्ट्स फैक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।